चलो गाइस अभी जाके प्राइस पूछते हैं, अगर ज्यादा हो तो नहीं चलेंगे क्योंकि बस मेरे पास पैसा ही नहीं है। इतना शानदार नजारा, इधर सनसेट हो रहा है, इधर हॉट एयर बलून। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, छोटे छोटे मतलब दुकान वगैरह बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। इस पार में भी दुकान है, उस पार भी है। थोड़ी देर बाद गाइस बहुत ज्यादा क्राउड होने वाला है, बहुत लोग आने वाले हैं और इसलिए मैं दिन पे आया हूँ। ये देखो गाइस, ये इस बार ही बनाया गया, पहले नहीं था। और इधर लिखा हुआ है KYF 2024। सो गाइस अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ट्राइबल हाउसेस, मतलब ट्राइबो का, मतलब अरबी लोगों का, डिमासा लोगों का, हर किसी का इधर हाउस बनाया हुआ है, ट्रेडिशनल हाउसेस। मतलब कितना सुंदर दिखाई दे रहा है इधर से देखो। सो गाइस इधर देख सकते, भैया ने फोटो क्लिक करके दिया है मुझे। सो हेलो व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबूस लाइफस्टाइल। तो गाइस फिर से नया व्लॉग लेके आ चुका हूँ KYF का, KYF 2024 का। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो एंड तक बने। ये देखो गाइस ये कैसे चलता है हॉट एयर बलून, भाई साहब पहली बार दिखाई दे रहा है ये। और ज्यादा ऊपर तक नहीं जाता है गाइस, ये थोड़ा ही ऊपर तक उड़ाएगा, ये रस्सी बंधा हुआ है क्योंकि ये फील्ड इतना बड़ा भी नहीं है उन लोगों के लिए। गाइस ऊपर तो चला गया, अभी कैसे उतरेगा वो दिखना है मुझे। चलो अभी चलते उधर। गाइस मैं इस बार नोथिंग पी के उधर नहीं गया क्योंकि पिछले बार भी गया तो और पिछले ब्लॉग में भी देखा है, वही होगा। अभी हॉट एयर बलून देखा था आपको, ये देखो कितना बड़ा है। गाइस वीडियोस में इतना अच्छे से नहीं आ रहा लेकिन बहुत ही बड़ा ही है भाई। उड़ गया गाइस, उड़ गया। चलो गाइस अभी जाके प्राइस पूछते हैं, अगर ज्यादा हो तो नहीं चढ़ेंगे क्योंकि बस मेरे पास पैसा ही नहीं है। चलो देखते हैं अभी जाके, फिर बोर्ड भी लगा हुआ है। गाइस मैंने जाके नहीं पूछा लेकिन लोगों के मुंह से सुना है एक बार चढ़ने से 500 रुपीज। गाइस इतना महंगा, मुझे नहीं चढ़ना है भाई। बहुत महंगा है गाइस, फिर कभी चढ़ेंगे जब पैसा हो जाएगा। इतना शानदार नजारा, इधर सनसेट हो रहा है, इधर हॉट एयर बलून। सो इधर बेम्बू वगैरह से बनाया जा रहा है, देख सकते हो ये सब बेम्बू वगैरह से बनाया हुआ है, वोट का, लकड़ी का ट्री हाउस। बस हर कोई चीज लकड़ी और बेम्बू से बनाया गया इधर। बहुत बढ़िया, इधर गाइस छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह है और मतलब इधर ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह उन लोगों का मिल जाएगा, कार्बी ट्रेडिशनल। ये सब लकड़ी से बनाया हुआ है ना भाई, गणपति बप्पा बहुत अच्छा लगा देख के। और इधर देख सकते हिरन वगैरह, सब कुछ लकड़ियों से बनाया गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, छोटे छोटे मतलब दुकान वगैरह बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। चलो और देखते हैं आगे, और बहुत कुछ है। जमीन तोरा तेरा बेड़ा है इसलिए मैं चल रहा है, फील हो रहा है। इधर इतना तक ही है, उसके बाद खत्म है। सो गाइस इस पार में भी दुकान है, उस पार भी है। गाइस मैं लगभग 2-3 घंटे से घूम रहा हूँ लेकिन मैं खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, इतना बड़ा एरिया में हो रहा है मतलब फेस्टिवल। और थोड़ी देर बाद गाइस बहुत ज्यादा क्राउड होने वाला है, बहुत लोग आने वाले हैं और इसलिए मैं दिन पे आया हूँ व्लॉगिंग करने। मैं सोच रहा था हेलीपैड पर जाऊंगा, हेलीपैड पर मतलब इधर दरवाजा ही बंद है, अंदर नहीं जा सकते। अभी चलते हैं इस पार्क में, ये देख सकते हैं ये नया बनाया गया इस बार। चलो चलते हैं इसके अंदर। ये देखो गाइस ये इस बार ही बनाया गया, पहले नहीं था।
और इधर लिखा हुआ है KYF 2024, उधर चलते और फोटो शूट करते। ये वाला पार्क भी बहुत भरा है, इतना छोटा भी नहीं है। मैंने सोचा था थोड़ा छोटा मोटा होगा, लेकिन बहुत ही भरा है। वो उधर तक एंड होता है, लेकिन नहीं जाने वाले उधर। तो गाइस इधर हो रहा है बोर्डिंग, और जो मैंने पहले व्लॉग में दिखाया था गाइस, अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ट्राइबल हाउसेस, मतलब ट्राइबों का, मतलब अरबी लोगों का, डिमासा लोगों का, हर किसी का इधर हाउस बनाया हुआ है, ट्रेडिशनल हाउसेस। तो चलो अभी दिखाते हैं आपको। आदिवासी लोगों का घर कुछ ऐसा रहता है, और इसके सामने रंग घर देख सकते हैं आप लोग, रंग घर बनाया गया है। नेपाली गोरखा लोगों का, नागा लोगों का, और ये पहले ही दिखाया मैंने गाइस आप लोगों को, ये सब पिछले ब्लॉग में दिखा दिया था, वैसा ही है, देख लेना अगर देखना है आप लोग। तो चलते इधर से, इधर का तो दिखा दिया मैंने पिछले ब्लॉग में भी, अभी चलते इधर से और देखते है नेक्स्ट जगह। चलो अभी इसके अंदर चलते, क्या है क्या नहीं देखते। इधर भी ऐसा वो सो भी है जो मैं पहले दिखा चुका आप लोगों को। गाइस देखो इधर से कितना अजीब दिखाई दे रहा है, मतलब कितना सुंदर दिखाई दे रहा है इधर से। देखो भाई साहब ये जगह इतना सुंदर दिखाई दे रहा है इधर से। और गाइस ठंड भी लग रहा है पूरा, और देख सकते हो फोग हो चुका है पूरा, तो निकलते हम लोग। गाइस अभी हो चुका है रात का वक्त, और अभी मेरे कैमरे का क्वालिटी माँ बहन है। यहाँ पर देखो कैसे KYF लिखा गया है पानी के ऊपर। टोयोटा हिलक्स के सामने एक सेल्फी ले लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे गाइस हम लोग भी। तो गाइस इधर देख सकते भैया ने फोटो क्लिक करके दिया है मुझे, और गुवाहाटी से ये लोग टोयोटा का स्पॉन्सर देख सकते। सो गाइस अभी हो चुका है हमारा वीडियो एंड, अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है 18 तारीख को, मैं आऊँगा फिर से, और पता नहीं इस ब्लॉग में कितना व्यू आएगा कितना नहीं, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में थोड़ा सा भी व्यू नहीं आया। सो आप लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों को ये ब्लॉग। भाई साहब ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं, इतना सुंदर से सजाया गया ये मेन गेट, जबरदस्त गाइस। देख सकते हैं ये गाड़ी से छिड़क रहे क्योंकि मच्छर के लिए, मच्छर ना हो इस वजह से। सो गाइस आज का ये व्लॉग इतना रखता है, और व्लॉग देख के अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, व्यू भाई को सपोर्ट करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस।